ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश की सत्ता में चार बार रही बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में जगह जगह पर जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो प्रचार कर रहे हैं, वो आज तक पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सब शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आप सुबह से मैं देख रहा हूँ सोहना इलाके में आप घूमे, आपको क्या, आप लोगों से बातचीत भी की आपने, की क्या मुद्दा लग रहा है लोगों का हरियाणा में? देखिए, यहाँ का जो मुद्दा है वो सोहना की जो जनता है इस बार चाह रही है कि उनको ऐसा नेता मिले, ऐसा विधायक मिले जो उनके लिए दिन रात मेहनत करके काम करे, उनके बीच में रहे, जिससे वो डरे ना। जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने एक प्रत्याशी को उतारा है, अब उस पर तो मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, अभी उनके ब्रदर भी 1.5 साल पहले बाहर निकले, उनके ऊपर भी फिर कुछ इसी तरीके के चार्जेस लगे हुए हैं। तो जनता इन सभी टाइप के नेताओं से बहुत परेशान है, उन्हें ऐसा नेता चाहिए जिसकी छवि साफ हो, जिसने मेहनत करी हो, जिसने 5 साल से काम किया हो। हमारे जो प्रत्याशी हैं सुंदर भंडारा जी, वो यहाँ से लड़ रहे हैं, उन्होंने पिछले 5 से 7 सालों में इतना यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए काम किया है, इसका मतलब आप जैसे कहेंगे कि हजारों उसकाई के लिए बांटी है, किताबें पेंसिलें बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। उसी प्रकार से यहाँ अब सोना की जनता जो है वो उसी टाइप का प्रत्याशी, उसी टाइप का विधायक मांग रही है। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सोच समझ के यहाँ पर ऐसा प्रत्याशी उतारने का काम किया है। लोग अब चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो, लोग अब पढ़ना लिखना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उस तरीके से अब हरियाणा की जनता भी मांग कर रही है कि ऐसी सरकार उन्हें यहाँ मिले। वही हम पूरी उम्मीद है कि इस टाइप की हम सरकार यहाँ पे दे पाएंगे। हमने आपके भाषणों में सुना उड़ता पंजाब, उड़ता हरियाणा, ये क्या आपको फीडबैक? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं अभी NCRB का अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का भी डेटा उठाएंगे तो जितना क्राइम और जितना जो FIR और जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पंजाब से ज़्यादा आज की डेट में हरियाणा से आ रही है, नशे की और इस सब की। तो हमारा जो भविष्य है, जो पहले पंजाब में हमने खराब होता हुआ देखा, अब हम आज हरियाणा में भी खराब होता हुआ देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो जनता है यहाँ पे, जो जनता चाहती है वही चाहती है कि भाई हमारे बच्चों को अगर काम नहीं मिलेगा तो वो इसी टाइप के काम में फंसेंगे, लोग फंसाएंगे उन्हें, तो रोजगार होगा तो लोग अपना काम धाम पे लगेंगे, इंडियन इकोनॉमी में GDP में ग्रोथ के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। पर अभी क्या है, वो सब गलत कामों में फंस जाते हैं हमारे सभी युवा साथी। 2019 में अगर हम थोड़ा चल भी चले, 2019 में आपका जो वोट प्रतिशत था वो 4.47 था, इस बार आप इनोलो के साथ हैं, क्या लगता है आपको, क्या कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, हम लड़ तो कम सीटों पे रहे हैं पिछली बारी से, परंतु इस बारी जिस मजबूती से हम लड़ रहे हैं और जिस मजबूती से इनेलो लड़ रही है, तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बारी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वोट परसेंटेजेस तो बहुत जगह फ्लक्चुएट कर जाते हैं, पर हम पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। आपका दुश्मन कौन है, BJP है या कांग्रेस? देखिए, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वन इज हेड वन अदर स्टेट्स। सो दोनों ही जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं जिन्होंने सर्व समाज में से जो सिर्फ चंद लोगों का फायदा पहुंचाया है, चाहे वो 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही हो, उसके बाद 10 साल की भाजपा की सरकार, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का गरीब पिछड़ा समाज, यहाँ के SC ST समाज के सभी साथी लोग सब परेशान हैं। वो इन्हीं दोनों की सरकारों को देख चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और चाह रहे हैं कि आप इनेलो और बसपा वाली जैसी सरकार, जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने UP में दी थी, वैसी सरकारें यहाँ पे आएं।